हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग जेएसपी में हम लोग अपने नेक्स्ट टैग की बात करने वाले हैं, जिसको हम लोग जेएसपी डायरेक्टिव बोलते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टिव टैग्स ऑफ जेएसपी बोलते हैं। इसका मतलब हम लोग आज जेएसपी डायरेक्टिव के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से डायरेक्टिव्स को पढ़ा है और आज हम लोग कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ टैग्स हम लोगों ने पढ़े थे जेएसपी के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा था कि जेएसपी होता क्या है। जेएसपी एक सिंपल पेज है जिसके अंदर हम लोग एचटीएमएल लिख सकते हैं, सीएसएस लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं और साथ ही साथ जावा का कंटेंट भी, डायनेमिक कंटेंट भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट करते समय पढ़ा था, स्टार्ट किया था तो पढ़ा था जेएसपी में कुछ टैग्स। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डिक्लेरेटिव टैग, जिसको हम लोग ऐसे लगाते थे और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स लिख सकते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोगों ने सीखा था और किया था। अगर आपने अभी, अगर आपको अभी तक ये टैग नहीं समझ में आया तो हम उसकी वीडियो का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा था स्क्रिप्टलेट टैग। इस टैग में हम लोग ने सीखा था कि कैसे आप कोई जावा का कंटेंट लिख पाओगे इसके अंदर। तो ये सिंपल स्क्रिप्टेड टैग के अंदर जो भी आप लिखते हो वो सब कुछ सिंपली जाता है ऑटो जनरेटेड सर्वलेट। जब हम लोग जेएसपी की वर्किंग पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हम लिख रहे हैं उसका एक ऑटो जनरेटेड सर्वलेट बनता है। तो बेसिकली इसके अंदर का सारा कंटेंट सर्विस मेथड के अंदर जाता है, दैट मीन्स आप प्रोसेसिंग लॉजिक इस सर्विस मेथड के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद जो थर्ड टैग होता है वो टैग होता है एक्सप्रेशन टैग। इसके अंदर हम लोग कोई चीज़ अगर हमें प्रिंट करना है वो चीज़ लिखते हैं। जैसे अगर हमें ब्राउज़र पे प्रिंट करना है स्ट्रिंग तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग दे देंगे, स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इंटीजर दे देंगे तब भी इंटीजर को प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स कुछ भी अगर हमें ब्राउज़र पे प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन टैग का यूज़ करेंगे। तो ये टैग्स हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में कवर किए थे। इस वीडियो में हम लोग जेएसपी डायरेक्टिव टैग्स पढ़ेंगे। जेएसपी डायरेक्टिव ऐसे टैग्स होते हैं जो सर्वलेट कंटेनर को, दैट मीन्स सर्वर पे जो बंदा जावा को रन कर रहा है उसे कुछ डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जेएसपी पेज को डील करने के लिए। क्योंकि जब जेएसपी पेज सर्वलेट कंटेनर लेगा और उसके साथ ट्रांसलेशन वगैरह कर रहा होगा, उस समय अगर मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है कि कंटेनर भाई ऐसे काम करो, या फिर हमें कुछ भी कंटेनर को इंस्ट्रक्शन देना है या फिर डायरेक्शन देना है, तो हम जेएसपी डायरेक्टिव टैग से बताते हैं। इसीलिए इसका नाम है डायरेक्टिव। जैसे डायरेक्शन का मतलब होता है कि भैया काम कैसे करना है, क्या काम करना है। जैसे हम लोग ये जो जेएसपी डायरेक्टिव होते हैं वो तीन तरीके हैं मोस्टली, पेज डायरेक्टिव, इंक्लूड डायरेक्टिव, टैगलिप डायरेक्टिव। अब पेज डायरेक्टिव हम देखते हैं कि भैया इसको कैसे यूज़ करना और कैसे मुझे डायरेक्शन देना है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पेज डायरेक्टिव की हेल्प से हम लोग सर्वलेट कंटेनर को ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो हमें पूरे पेज पे अप्लाई करना है। पूरे पेज का मतलब, लेट अस सपोज एग्जांपल, हमारे पास यहाँ एक पेज है, हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पे अगर मुझे कुछ अप्लाई करना है, जैसे लेट अस सपोज हमें इस पेज पे टिल पैकेज का कोई रैंडम क्लास यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पेज डायरेक्टिव। और सबसे पहले चीज़ मैं बता दूँ आपको कि पेज डायरेक्टिव या कोई भी डायरेक्टिव टैग आप इस पेज में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज डायरेक्टिव की हेल्प से अपने क्लास को इंपोर्ट करेंगे। कौन से क्लास को भाई, हम लोग रैंडम क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लगाएंगे ये वाला साइन और हम लोग डायरेक्टिव लगाने के लिए लगाते हैं ऐट द रेट। जैसे ही आप ऐट द रेट लगाओगे ये आपसे पूछेगा कि अच्छा आप डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हो, उसके बाद कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करने वाले हो, इंक्लूड डायरेक्टिव कि पेज डायरेक्टिव कि टैगलिप। क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो पेज पे अप्लाई करना है, तो हम यूज़ करेंगे पेज डायरेक्टिव। उसके बाद आप मुझे एट्रीब्यूट्स देना है कि आपको करना क्या है, तो हम कहेंगे इम्पोर्ट करना है। और उसके बाद आपको देना है क्लास का नाम कि भैया आपको कौन सी क्लास इम्पोर्ट करनी है। तो यहाँ पर लिख देंगे जावा डॉट यूटिल डॉट और हमें लेना है रैंडम, तो हम रैंडम लिख देंगे। अगर आपको सारी क्लासेस चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ सिंपली एस्ट्रिक लगा सकते हो। इवन अगर आपको कोई और क्लास चाहिए तो यहाँ लास्ट में देखिए रैंडम के बाद सेमी कोलन नहीं लगाना है, ये इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं है, इंपोर्ट वाली लाइन नहीं है, बस इतना ओवर हो गया। आप इस रैंडम को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और क्लास इंपोर्ट करना है तो आप सिंपली कॉमा लगा लीजिए। जैसे अगर आप एरेलिस्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो आप जावा डॉट यूटिल डॉट सिंपली एरेलिस्ट यूज़ कर सकते हो।
या फिर अगर आपको लेट अस सपोज आयो की सारी क्लासेस इंपोर्ट करनी है तो आप java.io.asterisk भी लिख सकते हो। तो इस तरह हमने क्या किया, पेज डायरेक्टिव की हेल्प से इंपोर्ट कर लिया इन सारी क्लासेस एंड पैकेजेस को। दैट मीन्स हमने लेस देन परसेंटेज एट द रेट एंड पेज डायरेक्टिव, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट लिखा और हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा। अब हम इस रैंडम क्लास को यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इस H1 के नीचे या फिर इसको बॉडी के अंदर हटा देता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, H1 में ही लिख देता हूँ मैं H1 और मैं लिखता हूँ रैंडम नंबर। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक रैंडम नंबर जनरेट करने वाले हैं इस वाले क्लास की हेल्प से। तो इस वाले क्लास की हेल्प से रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं अपना, क्योंकि हमें यहाँ पे जावा लिखनी है तो सिंपल, क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं करना है ना कुछ प्रिंट करना है, हमें सिंपल जावा लिखनी है। दैट मीन्स हम चाहते हैं ऐसी चीज़ लिखना, कोई बिजनेस लॉजिक या लॉजिक, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना स्क्रिप्टलेट टैग और हम यहाँ पे बनाएंगे ऑब्जेक्ट अपने रैंडम क्लास का। तो हम लिखेंगे रैंडम r इज इक्वल टू न्यू रैंडम सिंपल, और हम लोग क्या करेंगे, एक नया रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम लेंगे इंटीजर r या n नंबर n, इंटीजर n इज इक्वल टू, और हम लिखेंगे r डॉट नेक्स्ट इंट, और सिंपली हम लोग को इस इंट को देना होता है एक अपर बाउंड। तो हाँ, अगर हम इसको 6 दे देंगे तो 0 to 5 नंबर जनरेट करेगा, 0 to 5 के बीच में कोई भी नंबर जनरेट करेगा अगर हम इसको 6 दे देंगे, और अगर इसको 10 दे देंगे तो 0 से 9 तक कोई भी नंबर बीच का जनरेट करेगा। और फिर हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट ln यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये वाला तरीका यूज़ करना है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये वाला तरीका अगर आपको नहीं यूज़ करना तो सिंपली आप इस टैग के बाहर आ जाइए और एक्सप्रेशन टैग यूज़ कर लीजिए। तो आपको लगाना होगा इक्वल टू और यहाँ पे लगाना हो n, दैट्स इट। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रिप्टलेट टैग होता है उसके सारे स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कोलन लगाना पड़ता है। दैट मीन्स ये सिंपल जावा का स्टेटमेंट है, टर्मिनेट करना पड़ेगा सेमी कोलन से, बट एक्सप्रेशन टैग में सिर्फ प्रिंट करना है तो सेमी कोलन यहाँ पे नहीं लगाना। अगर हम क्या करते हैं, इस पेज को अगर रन करते हैं तो हम देखते हैं आउटपुट क्या आएगा। तो हमने पेज को यहाँ पे रन कर दिया, हम रिफ्रेश करेंगे सिंपली पेज को, जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रैंडम नंबर हमारा 4 आया। मैं एक बार पेज को और रिफ्रेश करता हूँ, दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, हम इस कोड को दोबारा चलाएंगे, जब हम दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा पेज दोबारा चलेगा, तो देखेंगे क्या होगा। हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए 3 जनरेट हुआ। इसी तरह जितनी बार आप रिफ्रेश करते जाओगे एक रैंडम नंबर जनरेट होता जाएगा, और रैंडम नंबर जनरेट होगा 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर जनरेट हो सकता है। दैट मीन्स हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है पेज डायरेक्टिव की हेल्प से और यूज़ कर लिया हम लोगों ने इसमें। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज डायरेक्टिव और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ कंटेंट टाइप, जैसे एक देखिए ऊपर भी पेज डायरेक्टिव लगा हुआ है, लेस देन परसेंटेज फिर एट द रेट पेज, दैट मीन्स ये पेज डायरेक्टिव है और वो बता रहा है बेसिकली इस पेज का कंटेंट टाइप HTML/text/HTML है, ये इस पेज का कंटेंट टाइप है, इस पेज में किस टाइप का कंटेंट है, और ये बता रहा है हमें इंपोर्ट। दैट मीन्स जो पेज डायरेक्टिव होते हैं वो पेज के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं कि इस पेज के साथ कंटेंट को कैसे डील करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपको इस पेज को एरर पेज बनाना है तो आप सिंपली पेज डायरेक्टिव यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो आप एट द रेट लिखोगे पेज और यहाँ पे इज एरर पेज और इसको ट्रू कर दोगे सिंपली। अब ये पेज जो है इसके पास एरर की प्रॉपर्टीज़ आ गई तो ये एज अ एरर पेज बिहेव कर सकता है। अगर आप इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट, कंटेंट टाइप, एक्सटेंड लैंग्वेज, जैसे आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि लैंग्वेज जावा यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह इज़ एरर पेज वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कुछ यहाँ पे यूज़ करके दिखाए हैं, कंटेंट टाइप, इंपोर्ट, इज़ एरर पेज, बफर, सेशन को जैसे आप चाहते हो, क्योंकि इसमें सेशन हम लोग ना यूज़ कर पाएँ तो हम पेज में ऐसे लिख सकते हैं एट द रेट पहले परसेंटेज फिर एट द रेट पेज और हम यहाँ पे सेशन फॉल्स कर देंगे। तो अब हम इसके नीचे इस पेज के अंदर हम सेशन को यूज़ नहीं कर सकते, हम गेट सेशन गेट भी नहीं कर सकते, या जो भी हमारे पास इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मिले होंगे उसको भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे।
अगर आप थ्रेड शेप बनाना चाह रहे हो तो इस थ्रेड शेप को ट्रू फॉल्स कर सकते हो। इसी तरह आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ज़्यादा यूज़ होंगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अगर आपको एक्सटेंड करना है, लेट अस सपोज आपके पास कोई क्लास है और आपको एक्सटेंड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, एट द रेट पेज, और यहाँ पे एक्सटेंड एट्रीब्यूट है उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो हम लिख देंगे पेज डायरेक्टिव एक्सटेंड्स, और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख सकते हो, वो इस पेज उस क्लास को एक्सटेंड कर लेगा। सिंपल, दैट मीन्स आप पेज डायरेक्टिव की हेल्प से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। ऐसे एट्रीब्यूट्स लिख सकते हो जो पेज पे एंटायर पेज पे अप्लाई हो जाए इस पेज पे, और उसी हिसाब से कंटेनर आपका काम कर देगा। जैसे जो ऑटो जनरेटेड सर्वलेट बनेगा उसमें क्या करेगा, सेशन को फॉल्स कर देगा, एक्सटेंड कर देगा, इम्पोर्ट कर लेगा इन सारी क्लासेस को, और उसका कंटेंट टाइप सेट कर देगा यहाँ पे। दैट मीन्स पेज डायरेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंक्लूड डायरेक्टिव की, किसकी बात करें अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें अगर इंक्लूड डायरेक्टिव की, तो उस केस में तो फ्रेंड्स इंक्लूड डायरेक्टिव क्या करता है, यूज एग्जाम सिंपली ऐसा ही करना होता है। लेट अस सपोज हमें यहाँ पे इंक्लूड डायरेक्टिव यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एड लेस देन परसेंटेज और यहाँ एट द रेट लिखेंगे और हम यहाँ पे इंक्लूड लिख देंगे। ये हमारा इंक्लूड डायरेक्टिव है, और ये बेसिकली किसी दूसरे रिसोर्स को यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए होता है। जैसे मेरे पास कल एक प्रोग्राम था फर्स्ट जेएसपी, या हम लोग क्या करते हैं एक नया पेज बना लेते हैं, राइट क्लिक करके न्यू जेएसपी, और इसका नाम दे देते हैं हेडर, इसका नाम देते हैं हेडर, और हेडर की हम लोग डिज़ाइनिंग नहीं करने वाले हैं, और ये हमारा हेडर पेज है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस हेडर में यहाँ पे लिख देता हूँ H1 दिस इज हेडर, और हम क्या करते हैं इसका स्टाइल थोड़ा लगा देते हैं, स्टाइल में हम लोग बैकग्राउंड लिख देते हैं इसका ब्लू, और हम लोग इसका कलर वाइट कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि हम लोग को थोड़ा यहाँ पे हेडर टाइप का लगे कुछ, और हम लोग क्या करते हैं थोड़ा पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल की। दैट्स इट, अब ये हेडर पेज है, और इस पेज को हम लोग इंक्लूड करना चाहते हैं अपने रैंडम नंबर जहाँ जनरेट किया था उसके ऊपर। दैट मीन्स हम चाहते हैं यहाँ पे इस पेज का पूरा कंटेंट आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे फाइल, और जिस रिसोर्स को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम लोग हेडर को इंक्लूड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए एट द रेट इंक्लूड डायरेक्टिव फाइल हेडर फाइल, तो इसकी जगह पूरी की पूरी ये वाला कंटेंट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए किया था। और मैंने यहाँ पे देखिए इंक्लूड कर लिया हेडर को। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो हमें फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये कंटेंट मिल रहा है, दिस इज हेडर। ये बेसिकली जो हेडर आ रहा है ये हमारे इस फाइल से आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, लेट अस सपोज हम अपने बैकग्राउंड का कलर कुछ अजीब सा रख देते हैं, ऐसे ही मुझे ऐसे ही कलर का कोड याद है, कलर चूजर से हम लोग क्या करते हैं इस कलर को चूज़ कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज हमारा कलर ये ओके कर देते हैं, और अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। या हम इसके नीचे कुछ और भी लिख सकते हैं यूसेज ऑफ डायरेक्टिव्स पेज इंक्लूड, और हम लोग क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखेंगे यूसेज ऑफ डायरेक्टिव पेज इंक्लूड, ये बेसिकली आ रहा है यहाँ से H1 के अंदर से। और ये जो ब्लू कलर लगाया था वो सिर्फ इसी हेडिंग के लिए लगाया था, इसीलिए ये इस कलर का आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये दोनों एक ही में आए, तो हम लोग क्या करेंगे ये स्टाइल, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इसको H1 की जगह P बना देते हैं, और इसको भी H1 की जगह P बना देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वो वाली जो स्टाइल है उसको कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इन दोनों टैग को एक डिफ के अंदर रखने वाला हूँ। डिफ और क्लास अभी नहीं देंगे, अभी हम स्टाइल लगा देंगे, और हम डिव अपना इसके नीचे बंद करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया, ये थोड़ा सा हेडर का पार्ट मैंने बनाया है, मैंने देखिए डिव लिखा है ये डिव, और हमने अपना बैकग्राउंड वाली जो स्टाइल थी उसी डिव पे लगाई है, और उसके अंदर हेडिंग है, उसके अंदर हमारा पी है। और अगर अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो सिंपली देखिए यहाँ पे हेडर दिख रहा है, दिस इज हेडर यूसेज ऑफ डायरेक्टिव पेज एंड इंक्लूड, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे देखिए थोड़ा मार्जिन पैडिंग आ रही है, तो ये मार्जिन पैडिंग आ रही है आपके इसके बॉडी टैग से यहाँ से, तो आप इसके बॉडी टैग इसको भी हटा सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे लगा सकते हो स्टाइल, और स्टाइल में ये टैग सबको लगाना होता है, मार्जिन को 0 पिक्सल करना होगा और पैडिंग को भी 0 पिक्सल करना होगा। तो एक्चुअली आपके बॉडी की ये देखिए,
यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रही थी वो भी चले गई और ये आपका हेडर है। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है, इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ किया है दूसरे पेज का रिसोर्स इंक्लूड करने के लिए इस जगह पे। आप यहाँ पे क्योंकि ये जेएसपी पेज है तो यहाँ पे आप डायनेमिक कंटेंट लिख सकते हो। लेट अस सपोज आपको यहाँ पे डेट प्रिंट करनी है तो सिंपल आप एक पैराग्राफ लगा दो इस पैराग्राफ में और हम लिख देंगे करंट डेट इज, और यहाँ पे डेट प्रिंट करनी है तो सिंपली आप लगा दो यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग और आप ऑब्जेक्ट बना दो न्यू डेट क्लास का। अब देखिए डेट क्लास यूटिल पैकेज में है तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए डेट क्लास आपने बना के प्रिंट किया और इसको आप क्या करो स्ट्रिंग में भी चेंज कर दो स्ट्रिंग में। तो जैसे ही आपने आपने डेट क्लास की स्ट्रिंग प्रिंट की तो अपने आप से देखिए पेज डायरेक्टिव यहाँ पे लग गया, इंपोर्ट हो गया। दैट मीन्स पहले आप क्लास को इंपोर्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे यूज़ करोगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई तो मैं क्या करता हूँ इसको बैकग्राउंड कर और आके इसको हम लोग क्या करते हैं रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिस इज़ हेडर। तो जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो देखिए दिस इज़ हेडर यूसेज ऑफ डायरेक्टरी और यहाँ पे देखिए अभी करंट डेट प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सेकंड्स, देखिए इसका मतलब आप क्या कर सकते हो किसी दूसरे कंटेंट को आप इंक्लूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्टिव दैट इज इंक्लूड डायरेक्टिव। तो आप क्या कर सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप एक हेडर बना के आप पूरी अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, एक फुटर बना के पूरी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो और अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे आके सिंपली चेंज कर दीजिए, वो हर जगह चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दो ही डायरेक्टिव कवर करेंगे, पेज डायरेक्टिव एंड इंक्लूड डायरेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टैगलिब डायरेक्टिव के बारे में बात करेंगे और उसका प्रैक्टिकल देंगे। ये जो वीडियो था एकदम प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो था, इसमें हम लोगों ने सीखा पेज डायरेक्टिव कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंक्लूड डायरेक्टिव कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।